पृथ्वीराज मलगैम पुराम मार्केट मसाइल थे आपका मेज़बान रफीक अंसारी हाजिर है। ताजिरों ने हुकूमत से मुतालबा कर दिया कि जुमे की छुट्टी ख़त्म की जाए और हफ्ते में एक छुट्टी यानी कि इतवार को दी जाए, जबकि वफाकी और सिंध हुकूमत ने बार बार ये ताजिरों का मुतालबा है कि हफ्ते में दो छुट्टी से करोड़ों और अरबों रुपये का नुकसान हो रहा है, मगर ताजिरों की फरियाद सुनी नहीं जा रही। जबकि ये वो शहर है शहर कराची कि जो हुकूमत पाकिस्तान को अरबों रुपये का टैक्स सालाना अदा करता है, पर इसके बावजूद भी हुकूमत ताजिरों के साथ तोतेली माँ जैसा सुलूक क्यों कर रही है। 18 माह गुजर गए, ताजिरों पे कर्जे चढ़ गए, कुछ लोग खुदकुशी पे उतर गए, मगर बिलातूत कर्जा ताजिरों को नहीं दिया जा रहा है, जबकि उनके बार बार मुतालबा है कि अगर उन्हें बिलातूत कर्जा फराहम किया जाए तो कुछ कमर जो है ताजिरों की सीधी हो जाएगी। इसी हवाले से आज हमारे स्टूडियो में बड़े ख़ास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, नुमान पिपरानी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आल सिटी ताजिर इत्तेहाद। नुमान अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं और इनका भी बड़ा ताल्लुक है, इनका ताल्लुक आयरन स्टील से भी है और बड़ी ज़बरदस्त आज इनसे गुफ्तगू की। हुज़ैफ़ा सिद्दीकी मेंबर सुप्रीम काउंसिल आल सिटी ताजिर इत्तेहाद। हुज़ैफ़ा अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे ताजिरों के मसाइल की। यकीनी तौर पे आल सिटी ताजिर इत्तेहाद ताजिरों के लिए बड़ा काम कर रही है और कहा जाता है कि अहमद पूनावाला ये भी ताजिरों का एक बड़ा लीडर है और इसकी सरबराही में जिस तरीके से कराची में ताजिरों को रिलीफ मिल रहा है, उनकी कोशिश होती है कि मैं छोटे बड़े ताजिरों को हर तरह से रिलीफ फराहम करूँ। हुकूमत सिंध से भी बात करते हैं, वफाकी हुकूमत से भी बात करते हैं और यकीनी तौर पर एक अच्छी लीडर की बात ज़रूर होनी जाएगी। हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं नुमान से। नुमान, आजकल आपको पता है कि कोरोना की चौथी लहर है और सुना कि आल सिटी ताजिर इत्तेहाद ने कोई वैक्सीन का कोई कैंप लगाया था, तो उस हवाले से आप क्या कहोगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपके इस चैनल K21 का और इस प्रोग्राम का जिन्होंने हमें मदद किया। जैसे कि आप जानते हैं रफीक भाई, हमारे आल सिटी ताजिर इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से हमाद भाई की काविश यही रहती है हमेशा कि ट्रेडर्स को रिलीफ दिया जाए, हर लिहाज से रिलीफ दिया जाए। तो जहाँ तक के बात है वैक्सीनेशन की, तो जो हमें बताया जा रहा है जिस गवर्नमेंट की तरफ से या वफाक की तरफ से कि भाई वैक्सीनेशन करवाई जाए, हम महीने में 2-3 बार हर अपनी अपनी मार्केटों में कैंप लगवा रहे हैं। जैसा कि पता है आज भी हमारी मार्केट में कैंप था लगा हुआ, सही है। हम कोशिश अपनी लेबर को भी वैक्सीनेट कर रहे हैं, खुद को भी करवा रहे हैं। पहले हम खुद हो रहे हैं वैक्सीनेट हो रहे हैं और लेबर को भी करवा रहे हैं। और जो भी हमारा कारोबार ऐसा है कि हमारे मज़दा वाले होते हैं, सुजुकी वाले होते हैं, हम उनको पाबंद कर रहे हैं कि भाई हम आपके साथ काम उस सूरत करेंगे कि जिस सूरत आप वैक्सीनेट हो गए देन उसके बाद हम काम कर सकेंगे। तो हम गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के मुताबिक SOPs पे अमल करने की तो पूरी कोशिश कर रहे हैं और हम कि SOPs के तहत ही काम किया जाए, सही है। लेकिन आपको जैसा कि पता है कि किस तरह का बुरा हाल सलूक किया जा रहा है हमारे कराची के ट्रेडर्स के साथ, और मैं ये कहूँगा कि आपने भी थोड़ी देर पहले एक अल्फाज अदा किए कि यार सौतेली माँ वाला सलूक किया जा रहा है। मैं नहीं मानता इस चीज़ को, सौतेली माँ भी शायद इससे अच्छी होगी सर, सौतेली माँ से भी बुरा सलूक किया जा रहा है कराची के ट्रेडर्स के साथ। क्या वजह, उसकी वजह, उसकी वजह आपके सामने, आप अभी हालिया ये देख लें कि कुछ दिनों से आप ये देखें कि कराची में देखा जाए तो ये कह रहे हैं कि भाई अपना लॉकडाउन लगाओ, सेफ डे दो दे दिए कि दो अपना दो सेफ डे देने हफ्ते में वीक में। आप जाके पंजाब देखें, दूसरे अपने शहरों में जाके देखें कि वहाँ तो ये सारी चीज़ें नहीं हैं। खाली कराची के साथ ऐसा क्यों, सिंध के साथ ऐसा क्यों? अच्छा, हमें ये बता दिया जाता है कि अपना बॉस आपके कराची में सिंध में कोविड के पेशेंट ज़्यादा हैं। ओ भाई, कोविड के पेशेंट खाली कराची के नहीं हैं, पूरे सिंध में जहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है, बलूचिस्तान में हॉस्पिटल नहीं है, वहाँ के लोग इधर आ रहे हैं बॉस, तो इसका पुरसान हाल कौन है? तो सारा मलबा हमारे ऊपर मार दिया जाएगा, कराची के ट्रेडर्स के ऊपर, कि कराची के लोगों के ऊपर, कराची के आवाम के ऊपर। कि तीनों सूबों में कारोबार जो है वो मुताबिक हो रहा है, वक्त के मुताबिक हो रहा है, तो कराची के अंदर फिर हुकूमत आप SOPs के तहत भी काम कर रहे हो, हर तरह से SOPs का ख्याल भी रख रहे हो, वैक्सीन भी लगवा रहे हो, तो फिर हुकूमत आपकी बात क्यों नहीं सुनती है? ये समझ से बाहर है कि सिंध हुकूमत क्या चाहती है ट्रेडर्स के साथ, कराची के ट्रेडर्स के साथ। और जैसे कि आपको पता है पूरे पाकिस्तान के बैकबोन कराची है, कराची के ट्रेडर्स हैं, कराची का कारोबार है तो पाकिस्तान है, ये पूरे पाकिस्तान इस चीज़ को जानता है। लेकिन हमें पता नहीं हमारे साथ इस तरह का क्यों सलूक किया जा रहा है, जो कि हम हर आए दिन मीटिंगें रखते हैं वज़राओं के साथ कि भाई हमारे ट्रेडर्स को देखा जाए। अपना रफीक भाई, ऐसे कारोबार के हालात हैं जो आप जानते हैं कि मोस्टली लोग किराए पे बैठे हुए होते हैं दुकानें लेकर, उनके पास हर दुकान पर आप जाएं
कम से कम भी 2 से 3 एम्प्लॉय। अब वो 2 से 3 एम्प्लॉय है, दुकान का किराया है, दुकान का खर्चा है, अपना खर्चा है। अब आप मुझे बताएं, इस महीने की मैं बात करूंगा, मंथ ऑफ अगस्त की, सही है, आप देखें कितनी छुट्टियां आ गई, सही है, क्या हम अपने खर्चे पूरे कर सकते हैं, हम लोगों को किराया पे कर सकते हैं? यार यहाँ तक की बात ऐसी है कि हमारे पास जो एम्प्लॉय काम करते हैं, मैं अपनी बात करूँगा, जो मेरी शॉप पर एम्प्लॉय काम करते हैं, यार किराए के फ्लैटों में रहते हैं, सही है। अब वो इसी चीज़, भाई हमारे किराए पूरे नहीं होते, हम दूसरों को क्या खर्चे देंगे, घर के खर्चे क्या पालेंगे, क्या करेंगे? और सिंध हुकूमत को हम ये सारी चीज़ें बता चुके हैं, यार ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं लोगों के साथ। रफीक भाई, लोग यहाँ तक के अब इस पोजीशन पे आ गए हैं, लोगों के नुकसान हुए, लोगों ने, आप जानते कि अपना जिस तरह से कोविड का मामला चलते आ रहा पिछले 2 साल से, सही है, तो इस कोविड के मामले में इन्होंने कोई कराची के ट्रेडर्स को दीवार से लगाने में एक कसर नहीं छोड़ी। अच्छा, हम चलते हैं उदयपुर की तरफ। उदयपुर, आप ये बताइए कि आपका ताल्लुक है स्टील मार्केट से, और लेकिन आयरन का जो कारोबार है उसमें जो नया बजट आया है, तो उसमें आप पर कोई रिलीफ फराहम किया गया या सारा का सारा बजट आप पर थोप दिया गया? सबसे पहले मैं रफीक भाई आपका शुक्रिया अदा करता हूँ K21 का कि आपने हमारे को अपने प्रोग्राम में मदद किया। रफीक भाई, जैसा कि आयरन के अंदर आपने मुझसे पूछा है कि रिलीफ, सर रिलीफ तो कोई भी प्रोवाइड किया गया और हमारे को मज़ीद मुश्किल में डाल दिया गया। इसकी रीज़न ये है कि टैक्सीस में भी कोई रिलीफ नहीं आया, कि जो डे बाई डे रेट इंक्रीज़ हो रहे हैं हमारे, और उससे हमारी सनत को बड़ा नुकसान पहुँच रहा है सर, कि पिछले साल जो हमारे रेट्स वगैरह थे तकरीबन उससे डबल रेट्स हो गए अभी हमारे आयरन प्रोडक्ट के, और इससे हमारे जो नीचे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो कंपनीज़ हैं जो हमसे बिजनेस करती हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा हर्डल्स आ रही हैं इस तरीके से। तो क्या आपका हुकूमत क्या मुताबिक आयरन जो आपकी एसोसिएशन है, पाकिस्तान एसोसिएशन भी होगी, तो वो हमारा हुकूमत से मुलाकात की होगी? हमारे जो हमारे प्रपोजल्स हैं, हमारे जो ऑल सिटी ताजर इत्याद के सदर हमाद भाई, उन्होंने बजट से पहले भी हुकूमत से मुतालबा किया था कि हमारे को टैक्सीस के अंदर कुछ रिलीफ दिया जाए, कि कोविड के जो मामला थे उसके बाद से तमाम ही सनतों पे इफेक्ट पड़ा है, तो हमारी सनत के ऊपर भी उस पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, कि हमारे जो काम का डोमेन है वो बिल्कुल चेंज है। मगर आपका तो मगर ताल्लुक है तामीरात से भी, है इंडस्ट्री तामीरात से भी है, और जो दूसरी ऑटो इंडस्ट्री से भी हमारा ताल्लुक है। हमारे से जो रॉ मटेरियल लेकर जाते हैं उससे काफ़ी डिफरेंट काम होते हैं, डिफरेंट बिजनेस उससे फील्ड्स चल रही होती है, और उससे हम जो हैं जो नीचे जो रिलीफ की जो बात की जा रही है, हमारे को कोई भी रिलीफ इससे मुयस्सर नहीं आ रहा गवर्नमेंट्स की तरफ से, ना वफाकी गवर्नमेंट की तरफ से, ना सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से। अच्छा नुमान, ताजिर बार बार ये अपील कर रहा है कि हफ्ते में एक छुट्टी ख़त्म की जाए जुमे की, क्योंकि उससे 6 दिन काम होता है, फिर बीच में कोई दूसरी छुट्टी आ जाती है, तो 2 दिन छुट्टी जो हुकूमत ने दी है, तो आपका क्या मुतालबा कि छुट्टी ख़त्म होनी चाहिए? बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। और जैसे कि आप देखें कि दूसरे ममालिक में आप देखें, अपना रफीक भाई, दूसरे ममालिक रिलीफ दिया जा रहा है, भाई जो कारोबार अगर 10 घंटे 12 घंटे खुलता तो उनको बोले भाई 24 घंटे खोलो, सही है। और अब तो सारी चीज़ें वैक्सीनेट होती जा रही हैं, तो अब क्या हर्डल्स हैं आपके साथ, अब क्या हमको क्यों प्रॉब्लम में डाला जा रहा है, क्या मसले मसाइल हैं? अच्छा, अभी इस मंथ इतनी छुट्टियाँ आई, हम अभी भी मुतालबा कर रहे हैं यार ये जुम्मे की छुट्टी जो आती है इसको कैंसिल करें, इसको हमको नॉर्मल डेज में लिया है, सही है, लेकिन नॉर्मलाइज करने पे राज़ी नहीं हो रहे, किसी हाल राज़ी नहीं होते। हम इतने मुशावरात करते हैं इनके साथ, लेकिन ये किसी सीट पर आने को तैयार ही नहीं है। अब सिंध गवर्नमेंट चाहती क्या है, ये समझ से बालातर है। अपना जितने भी अपना आपके ये चले जाए फेडरल में, सही है, फेडरल में हम पंजाब जाते हैं, सब जगह जाते हैं, वहाँ पर लोग घूमने फिरने इवन जा रहे हैं कि यार वहाँ पर कुछ भी नहीं, लेकिन यहाँ के लोग ताजर इतने परेशान हैं, इतने परेशान हैं, हम क्या बताएँ। और ये छुट्टी का आज भी हमारा मुतालबा है, हमारी यही कोशिश है कि ये अपना फ्राइडे की छुट्टी को ख़त्म किया जाए और कारोबार को पहले की तरह नॉर्मलाइज किया जाए, ताकि जितने टाइम आवर्स बढ़ेंगे उतना रश वगैरह कम होगा। अब आप देखें, पहले भी जितना कभी 6 बजे का टाइम दे देते हैं, कभी 8 बजे का टाइम दे देते हैं, तो आप भी शहर में, आपको भी पता है, जैसे 6 बजे का टाइम है, आप 6:30 बजे रश पे रोड पर निकलो ना, इतना रश होता है, क्या उस वक्त कोविड नहीं है? ओ भाई, आप इसको डिवाइड करें, आप टाइमिंग को बढ़ा दें, जो लोग पहले 10-12 घंटे का काम करते, आप उनको बोलो 24 घंटे काम करो, ताकि ताजिर जो पहले नुकसान कर चुके हैं पिछले 2 साल से, ताकि वो वापस अपनी जगहों पर आ जाएं। लोगों ने अरबों रुपए का नुकसान करा है। उधर भाई, तकरीबन कोरोना वायरस के तकरीबन 19 माह हो चुके हैं, जो पहली लेव 2020 में आई थी, 18 मार्च 2020 को पहला लॉकडाउन लगा था, जब से लेकर और अब तक तकरीबन ताजिरों को कितना नुकसान हो गया होगा, आपके अलावा भी?
रफीक भाई, ये जो आपने सवाल करा है इसका तो एक खमियाजा नहीं लगा, अरबों रुपए का इस तरह नुकसान हो गया सर। और दूसरी बात ये है कि जो ये लॉकडाउन लगा है सर, इसके लिए जो हमारी तजावीज़ मुख्तलिफ फोरम्स पे हमने दी है कि लॉकडाउन इसका प्रॉपरली सॉल्यूशन नहीं है, वैक्सीनेट करा के बिज़नेस को ओपन किया जाए, क्योंकि जो छोटे बिजनेस मैन जो लोग हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, उसका बिल्कुल ही उनकी जो कैपिटल है मूड़ी है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। कि 95% जो बिजनेसमैन है हमारे वो छोटे कैपिटल से काम कर रहे हैं, उनकी शॉप भी रेंट की, घर भी रेंट की, लेबर भी रेंट की, तो वो किस तरीके से सर्वाइव करेंगे। और हुकूमत की तरफ से बारह हम अपनी ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वो हमारे ताजिरों को रिलीफ दें, लेकिन रिलीफ तो देने की दूर की बात, वो अपनी जो हमारी टैक्सीज हैं वही माफ़ नहीं कर रही है। अच्छा नुमान, आज एक बड़ी खबर आई है और अद्वियात की कीमतों में एक जो है बड़े पैमाने पे जो है वो महंगाई कर दी गई है। बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका में जो दवाइयाँ हैं उनसे भी यहाँ डबल कीमत पे कर दी गई, जबकि वहाँ पर तो दवाइयों की कीमत बहुत कम है। तो आप क्या कहेंगे, क्योंकि एक तो इंसान की महंगाई से कमर टूट गई है और वहीं आज अद्वियात के ऊपर भी कीमतें बढ़ा दी गई। रफीक भाई, सबसे पहले तो हमारे मुल्क में और स्पेशली मैं सिंध की बात करूंगा कि यहाँ पे कोई चेक एंड बैलेंस तो है ही नहीं, किसी भी चीज़ पे चेक एंड बैलेंस नहीं है, ना रेटों पे चेक एंड बैलेंस है। अब सारे इदारे देखो ना, पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ से बाहर हैं। और ये चाहते क्या है, हम किसके पास जाएँ, ट्रेडर्स जाए तो किसके पास जाए। अच्छा, हम बात करते हैं कि यार हमको दूसरों की तरह चलाया जाए, तो ये बोलते हैं यार ये अपना एनसीओसी की तरफ से, एनसीओसी बोलती है भाई ये तो प्रोवेंस करेगा। अच्छा, ये अद्वियात की आप बात कर रहे हैं, तमाम चीज़ें मैं अद्वियात की नहीं, जैसे कि रुजैबा भाई हैं आयरन से, तो मेरा भी फील्ड आयरन की है। मैं आपको बताऊँगा, पिछले साल इमरान खान साहब ने 2020 में आयरन सेक्टर की हम बात करें तो कंस्ट्रक्शन लेवल पर रिलीफ दिया था आयरन को, सही है। तो आयरन की कुछ अपना कुछ ऐसे कारोबार थे जैसे सरिये के मेले थी, आयरन शॉप थी, तो उनको रिलीफ दिया था। इस बार तो ये भी नहीं मिला, पिछले साल तो थोड़ा मिला था कि लोग काम कर सकें और अपना कंस्ट्रक्शन फील्ड काम कर रही थी, लेकिन आज। और जहाँ तक के रेटों की बात रही, सही है बॉस, 100 रुपये का फर्क आया है, 100 रुपये पर केजी आयरन पर, ये बहुत बड़ी बात है। लोहे में, आयरन में 2 रुपये 5 रुपये का फर्क बहुत बड़ी बात है, ये तो 100 रुपये का फर्क है। तो अब आप लोगों को क्या मुतालबात हैं, कुछ तो मुतालबात होंगे ना आपके? तो सर, हम यही सारे मुतालबात गवर्नमेंट के सामने रख रहे हैं, फेडरल के सामने भी रख रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई कहीं से कुछ नहीं है, कहीं से कुछ नहीं है। अपना हम प्रोविंस के पास जाते हैं तो प्रोविंस अपनी कहानियाँ सुना रही होती है, और इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस किसी मामलात में भी नहीं है। अच्छा, अब रही बात, अभी हमने कुछ टाइम पहले हम यही आवाज़ उठाते रहे, स्टार्ट से कोविड जब स्टार्ट हुआ हम ये आवाज़ उठाते रहे, देखें अगर कोविड में हम इस तरीके से लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, सही है, तो क्राइम रेशियो बढ़ेगा, बेरोज़गारी बढ़ेगी। आपको जैसा कि पता है, जिस तरह हमारे कोविड की वजह से यहाँ पर सारे लॉकडाउन होते हैं, जो आपका बैंक्विट एसोसिएशन है, बैंक्विट लेवल के लोग हैं, आपका रेस्टोरेंट्स हैं, तो उसमें जो वेटर्स काम करते हैं, ये सारे काम करते हैं, इसमें लाखों लोग बेरोज़गार हुए हैं, सही है। अच्छा, हम स्टार्ट से ऑल सिटी ताजे तक के प्लेटफॉर्म से बोलते आ रहे हैं, भाई हमको रिलीफ दो, कारोबार टोटल खोल दो और टाइमिंग बढ़ा दो। इस वजह अगर ये नहीं करेंगे तो बेरोज़गारी बढ़ेगी, क्राइम बढ़ेगा। और जैसा कि आज ही एक रिपोर्ट आ गई सिंध गवर्नमेंट सीएम साहब की तरफ से, क्या रही जो लोग असला रखते हैं ना, ये ना रखें, इसकी नुमाइश ना करें, ये अपने पास ना रखें, भाई क्यों भाई, क्राइम रेशियो बढ़ गया है भाई, क्राइम रेशियो जिस वजह से बढ़ा उस पर तो नज़रसानी कर लो भाई। अच्छा, अब एक मैं एक ये बात करूँगा, आर्म्स की बात करूँगा, क्या ट्रेडर्स अपनी सेफ्टी के लिए सारी चीज़ें रखना छोड़ दें, तो मतलब क्राइम को और बढ़ावा देना है, तो ट्रेडर्स अपने आप को किस तरीके से सेफ करेगा? आप बोलते हो क्राइम बढ़ गया, भाई स्टार्ट से हम कह रहे हैं कि आप लोगों को बेरोजगार करोगे तो क्राइम बढ़ना ही है और कुछ नहीं होना है, और आज ये चीज़ सामने आ रही है, ये आज की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा दूर की बात भी नहीं है। उधर भाई, कहा जाता है कि मार्केटों में बिला जवाब एसओपी की खिलाफ वर्जी पर जो है बहाना बनाकर मार्केटें सील की जा रही हैं, जब वो मार्केट सील होती है तो कारोबार बंद हो जाता है, और 18 माह में तो वही कारोबार बंद हो चुका है, तो आप क्या हुकूमत से मुतालबा करेंगे? मेरा हुकूमत से यही मुतालबा है कि जैसे हम ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से, हमारे साथ बहुत सारी मार्केटें एफिलेटेड हैं, सब मार्केटों में तकरीबन वैक्सीनेशन कैंप लगाए जा रहे हैं और वैक्सीनेट हो ही जा रही है,
और SOP का भी ख्याल किया जा रहा है। तो हुकूमत से यही मुतालबा है कि जो ये टाइमिंग का जो एक इशू आता है, टाइमिंग का जो कभी आप 6 बजे की कर देते हैं, कभी 8 बजे की कर देते हैं, कभी 10 बजे की कर देते हैं, तो इससे एक पैनिक क्रिएट हो जाती है। तो ये एक टाइम आप 24 घंटे का टाइम दें ताकि जो हमारे जो रिलेटेड जो लोग हैं वो आसानी से आ सकें और SOP की उसको बिल्कुल मुकम्मल फॉलो कर सके। और ये एक रीज़न बना के जो ये सील कर देते हैं, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमारे बिज़नेस को, क्योंकि एक जब एक मार्केट एक सील्ड हो जाती है, फिर एक प्रोसेस पूरा चलता है कि इदारों के पास जाना पड़ता है, फिर वो उसको डी सील करते हैं, फिर वो हमारे जो वर्कर है, जो हमारे जो बिज़नेस का जो डोमेन है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। और मेरा हुकूमत से ये मुतालबा है कि सील करने के बजाय आप इसको रिलीफ की तरफ लेकर आएँ कि जब वैक्सीनेट हो रही है, सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रूटीन के ऊपर आ रही हैं, तो फिर आप सील करने का क्या जवाब बनता है। चलते हैं, मैं छोटे से ब्रेक के तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे। नोमान और हुज़ैफ़ा सिद्दीकी साहब से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हमारी नुमान पेपरानी और हुज़ैफ़ा सिद्दीकी से गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, और कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस की जो चौथी लहर है वो सिर्फ जो है वो कराची में ही है, बाकी के दीगर सूबों में तो कारोबार वैसे के वैसे चल रहा है, और खसूसी तौर पर तालीमी निज़ाम है उससे हमारे बच्चे बड़े डिस्टर्ब हुए, इसी हवाले से भी हम बात करेंगे। और नुमान, अभी चंद रोज़ पहले तमाम एजुकेशन छोटे बड़े जो स्कूल थे कॉलेज थे बंद कर दिए गए, और आपने तो कहा कि ऑनलाइन तालीम का सिलसिला चल रहा है, तो आप इस बारे में क्या कहोगे? ये ऑनलाइन तालीम नहीं है, मजाक हो रहा है हमारे साथ, हमारे बच्चों का फ्यूचर ख़राब किया जा रहा है। एजुकेशन टीचर्स के बगैर उनके सामने प्रैक्टिकली जो हो सकती है, तो ये ऑनलाइन तो सिर्फ पैसे बटोरने का तरीका हो रहा है। तो ये सिंध गवर्नमेंट को कुछ भी पता नहीं चलता, सॉरी टू से सही है, ये इस तरह की सारी चीज़ें करेंगे ऑनलाइन तालीम, ये क्या हो रहा है? आप यकीन जाने लोग फीसें देने से कासिर हो गए, फीसें नहीं दे पा रहे अपने बच्चों की। अच्छा, अब कुछ लोग जो लेबर तबका, जो एम्प्लॉय तबका है, वो क्या कहता है, बोला अरे अभी नहीं खोले तो अच्छा ये 2 दिन खोलेंगे, सही है, उसके बाद हमें फीसें लेंगे और उसके बाद बंद कर देंगे। तो अब ये लोगों का, मतलब अब लोगों की तालीम के पीछे भी हमारे साथ बहुत बड़े मसले मसाइल हैं। आप, मैं कह रहा हूँ कि ये बिल्कुल दूसरी तरफ ले जा रहे हैं लोगों को, इनको चाहिए तालीमी इदारे खोल देने चाहिए। भाई जब आपका वैक्सीनेशन का सिस्टम आपने ऑन कराया है, तो जब वैक्सीनेट हो रहे हैं, तो उसके बाद ये सारी चीज़ों को बंद रखने का क्या कॉन्सेप्ट है? आप मुझे देख लें, पिछले 2 साल से जो तालमी इदारे के ये अपना एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, सारे बोर्ड के वगैरह, ये सब मैनिपुलेट किया जा रहा है। मतलब कितनी अच्छी बात कर रहे हैं नुमान, तालीम के हवाले से तो ये जितने भी वज्रा हैं, बड़े बड़े लोग हैं, उनके तो बच्चे आला तालीम तो बाहर ममालिक में हासिल कर रहे हैं, तो उन्हें इस तालीम की क्या फिक्र कराची की या पाकिस्तान की, तो आप क्या कहोगे? सर, यही तो वजह है कि हमारे जो शहर के अंदर दोहरा जो तालीमी मेयार जो बोला जाता है वो यही है कि हमारे जो गरीब का जो बच्चा है वो बेचारा तालीम हासिल करने से कासिर है, कोरोना के बाइस स्कूल बने, और जो हमारे वज़रा और उम्रा शर्फिया तबका है वो अपने बच्चों को बाहर तालीम हासिल करवा रहा है। सर, ये तो दोहरा मेयार है। सर, जब हर चीज़ खुल सकती है तो तालीमी इदारे क्यों नहीं खुल सकते? मेरा आपसे यह सवाल है कि तालीम इदारे क्यों नहीं खुल सकते? हर चीज़ खुल रही है, वैक्सीनेट होके एक प्रॉपर ही खोली जा रही है, कुछ दिन खोलते हैं फिर एक तरीके से वो ड्रामा है, 2-4 दिन खोला फिर उसको लॉकडाउन की शिकल अख्तियार कर दिया था कि वो तालीम इदारों के ऊपर लॉकडाउन है। अभी 2 दिन तालीम इदारे खुले, मज़ीद अभी वो उसके ऊपर बंदिश आ गई है। तो मेरा यही वो अरबाब अख्तियार से यही रिक्वेस्ट है कि तालीमी इदारों को जो है हमारा एक तालीमी निज़ाम जो बिल्कुल ही तबाही की तरफ चला गया है, 18 माह से लॉकडाउन का सिलसिला जारी है, तो तालीमी निज़ाम तो उससे भी 1 महीने पहले से बंद किया हुआ था,
तो इसको वैक्सीनेट करके प्रॉपरली करके इसको खोला जाए तालीमी निज़ाम को, ताकि हमारी जो आने वाली जनरेशन है जो तालीम से दूर होती जा रही है वो एक सिलसिला दोबारा फिर जारी हो सके। तो ऑनलाइन तालीम का सिलसिला भी तो जारी है सर? ऑनलाइन तालीम वो तालीम नहीं है, वो एक तरीके से ड्रामा है सर, जोक है। वो ऑनलाइन तालीम कैसे होती है, जो हमने जिस तरीके से एक एजुकेशन हासिल करी है, सामने टीचर होता है प्रैक्टिकली तौर के ऊपर हमारे को गाइड कर रहा होता है, हम उससे क्रॉस क्वेश्चन कर रहे होते हैं वहाँ पर, वो हमारे को बता रहा होता है, वो ऑनलाइन तालीम में वो चीज़ नहीं आ सकती सर, आप इस चीज़ को समझे थोड़ा। तो यार हमारे पाकिस्तान बल्कि कराची में तो हमारी जब हुकूमत के लिए आ सकती है तो आप उस पर अमल कराओ ना अपने बच्चों से। तो सर अमल किस तरीके से कराएं आप बताएं ना सर, उनको अच्छे अच्छे मोबाइल खरीद के दे दो। तो सर अच्छे मोबाइल से और एक प्रैक्टिकल जो एक टीचर सामने मौजूद होता है उसमें बहुत जमीन आसमान का डिफरेंस है। वो टीचर है ना, वो चाहे छठी जमात पास हो, उनको तो टीचर नौकरी मिली है, तो आपका बच्चा तो अच्छे मोबाइल पर अच्छे मोबाइल के ऊपर सर, जो एक जो बच्चे को जो उस्ताद की शफकत जो चाहिए होती है वो तो सामने ही जब वहाँ पर स्कूल में मौजूद होगा जब ही तो वो शफकत हासिल कर सकेगा, जो तालीम हासिल कर सकेगा, वो मोबाइल के ऊपर वो चीज़ थोड़ी आ सकती है सर। अच्छा नुमान, हम बात करते हैं मार्केट की तरफ से चलते हैं कि लोकल मार्केट है कराची में, और तकरीबन जो जितनी छोटी छोटी मार्केट हैं उनमें कई मार्केटों में देखने में आया कि वहाँ लोग बेरोज़गार हो गए, कर्ज़दार हो गए, और जब कर्ज़दार हो गए तो इतने लोग, कई लोगों ने तो खुदकुशियाँ कर ली हैं। तो आल सिटी ताजिर इत्तेहाद के पास कोई प्लान है कि जो बेचारे कर्ज़ा जिन पर चढ़ गया तो उनके लिए कोई आपने मशावरत की हो, कोई इनामी स्कीम निकाली हो, या कर्ज़ा स्कीम निकालने का कोई इरादा रखते हो? बस सबसे पहले तो मैं सिंध गवर्नमेंट के बारे में कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छी पॉलिसी अपनाई ताजिरों को तकसीम कर कर, ताजिरों को इस तरीके से तकसीम कर दिया कि आज किसी प्लेटफॉर्म की इतनी नहीं सुनी जा रही। ताजिर बोले ये आपस में लड़ते हैं, लड़े हैं, मरते हैं, मरे हैं, कुछ नहीं सुनना इन्होंने, समझे। फिर भी मैं ये कहूँगा कि बहुत सारे नुकसान हमें इसी वजह से हुए कि आपने देखा होगा कि जिनकी अपनी खुद की मार्केटें नहीं है, जिनकी अपनी खुद की शायद उन मार्केटों में दुकानें नहीं है, लेकिन वो अपने आप को ताजिर लीडर बोलते हैं, वो सिर्फ आप देखें आज से पहले कुछ दिन, कुछ टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, 2-3 महीने पहले की, कुछ ऐसे नाम नयाद ताजिर बनते हैं और कहते हैं हम टांगे तोड़ देंगे अगर इन्होंने सिंध गवर्नमेंट ने नहीं खोला हम, वो भाई उस दिन उनके फ़ोन ही बेचारों के बंद हो जाते हैं, वो भाग जाते हैं। इसे अब इनकी वजह से ना ट्रेडर्स का कोई रहम है, ना एम्प्लॉयज़ के बारे में उनके दिल में कोई दर्द है, वो सिर्फ तस्वीर खिंचवाने से मकसद है कि उनकी जब दुकान नहीं है, उनका कारोबार नहीं है, तो उनके एम्प्लॉय की क्या जरूरत है फिर उनके ख्याल करने का? तो यही तो कहने का मकसद है कि लोग हकीकी नुमाइंदों को समझ नहीं रहे हैं, और आपने भी देखा होगा, आप मुझसे ज़्यादा सीनियर भी और आप जानते भी यहाँ पे लोगों के, लोग किस तरीके के हैं कि सिर्फ एक तस्वीर खिंचवाने के पीछे पीछे बल्ले काबीना मर रही हो ना मरे, अपना आवाम मरती हो मरे, उन्हें अपनी तस्वीर खिंचवाने का मकसद, बयानात तो ऐसे दे देंगे जैसे पता नहीं इन्होंने ही सारी चीज़ें करी है। फिर भी मैं अल्लाह पाक का शुक्र गुजार हूँ कि हम जिस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, मैं कोई तारीफ़ नहीं कर रहा, तारीफ़ काम की होती है और काम बोलता है। और आप भी जानते हैं कि ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद जो हमाद पूनावाला के प्रेसिडेंट जो हैं हमारे, उनकी सरप्राइज में सारे हम लोग पूरी कोशिशें कर रहे हैं कि ऐसा नहीं कि हम किसी मफाद के तहत कर रहे हैं, हमारे कारोबार भी डिस्टर्ब है। अच्छा उदयपा, आपने जब बात की आयरन स्टील की, तो जब हालिया जो बारिशें हुई तो उस बारिशों के दौरान मैंने देखा कि आयरन स्टील जो मार्केट है तो वो दरियाए सिंध का मंजर पेश कर रही थी, तो अब उस पर आप क्या कहोगे सर? कि आप अरबों रुपए का टैक्स देते हो वहाँ से? सर हम अरबों रुपए का टैक्स देते हैं सर, जो हालिया बारिशें हुई सर, हमारे गोदामों के अंदर पानी आ गया, हम मुतल्लिका इदारों से रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करते रहे कि हमारी सुनवाई हो। पहले ही हम लोग लॉकडाउन, वो कोरोना का शिकार लॉकडाउन 2 महीने हमने गुजार कर आए, और ऊपर से ये एक बहुत बड़ा लॉस अलमिया के हमारे जो गोदाम है, हमारी दुकान के लोहे का जो मटेरियल है सर, वो इस तरीके का मटेरियल नहीं है, अगर उसके ऊपर रस्ट लग जाता है वो स्क्रैप हो जाता है, वो 200-250 रुपए केजी वाला मटेरियल 100 रुपए केजी उसकी वैल्यू हो जाती है। हमने मुतल्लिका इदारों से, ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से, अपने ऑल आयरन स्टील के प्लेटफॉर्म से, हम इदारों से रिक्वेस्ट करते रहे कि उनकी कोई सुनवाई नहीं है सर इस हवाले से। तो जब सुनवाई नहीं है तो ये बारिशें होती हैं, तो कुछ ना कुछ तो आप लोग अपनी जेब से खर्च करते होंगे सफाई सर? अपनी सेवरेज के जो निज़ाम है जो हमारी मार्केट्स के अंदर है सर, वो गवर्नमेंट्स के लोग तो आते नहीं, आपको बताए, वो हमारे को अपने ही जेब से जो हमारी एसोसिएशंस के जो अपने फंड्स हैं उसी के तहत हम वहाँ पर काम कर रहे होते हैं, और टैक्सेस हम पूरे पे कर रहे हैं, लेकिन हमारे को रिलीफ कुछ नहीं मिल रहा सर। तो अच्छा ये बताइए कि आप तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची जो है वो
वो नए आ गए हैं मुर्तजा वहाब साहब, तो कुछ तवक्को तो रख रहे हो कि सफाई सुथराई के जो मामला दुरुस्त होंगे? सर तवक्को तो रखते हैं, लेकिन अब वो इम्प्लीमेंट करके तो दिखाएं ना सर, इम्प्लीमेंट ही नहीं होता, बातें ही बातें बहुत सारी हैं सर, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जीरो है सर। अच्छा नुमान, ये तो हमने सफाई सुथराई की बात कर रहे थे मार्केट की, कि वहाँ लोड शेडिंग का क्या सूरत हाल है? लोड शेडिंग का तो बुरा हाल है हर जगह। लोड शेडिंग आप किसी भी मार्केट में चले जाओ, आपको लोड शेडिंग के अलावा कोई दूसरी बात ही नहीं है। बिल अच्छा, मैं कुछ टाइम पहले की बात करूंगा, आपने कहा अभी जैसे कि आपने सवाल किया था क्या गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिलीफ मिल सकता है या क्या मिलता है, ये बिल तो माफ़ कर नहीं सकते, ये दूसरी क्या चीज़ें करेंगे, इनसे बिल अब तक माफ़ हुए नहीं। हाँ, इमरान खान साहब ने पिछले साल एक चीज़ करी थी कि लोगों को बोला 2 महीने के बिल माफ़ कर दूंगा, लेकिन जब वो 2 महीने शटर डाउन थे बॉस, 200 रुपये का बिल भी नहीं आता था, और उसमें आप लोगों को माफ़ करके एहसान जताओगे कि हमने लोगों को रिलीफ दिया? भाई लोगों को आपको रिलीफ देना है तो मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा इमरान खान साहब से कि भाई अगर आपने किसी आप पैसों का रिलीफ ना दें, कोई कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ बातें कर सकता है। इलेक्शन आते हैं, ये सारे ट्रेडर्सों के पास बैठे होते हैं कि यार हमें वोट देना, हमें वोट देना। एक बहुत मशहूर एक NGO है, मैं नाम नहीं दूंगा उस NGO का, वो बेचारी रोड के पैचेस बनाती है, सारी चीज़ें करती रही, ये अपना चंदे के बॉक्स लेके रोडों पे घूमते हैं। जब से वो, मैं नाम नहीं देना चाहता, MNA बने ना, तब से वो नज़र नहीं आते बेचारे। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम गवर्नमेंट के हर वे में खड़े होंगे, अपोजिशन में खड़े होंगे, सामने ट्रेडर्स का साथ देंगे, वो है किधर? तो जब से MNA बन गए तो मेरे ख्याल के तारे ढकने लग गए हैं गटरों पर। मुझे नहीं लगता कि गटरों पर ढकने, यहाँ पे पुरसान है, हाल नहीं है, लेकिन वो भी हैं किधर, वो नजर ही नहीं आ रहे। मैं तो उनको ढूंढता हूँ, क्या भाई वो आए तो सही, कि आप पहले बातें करते थे खाली गटर के ढक्कन नहीं लगा देते वो हर नहीं नहीं देखा MNA इस्लामाबाद में होंगे, आप क्या बात कर रहे हैं? तो खाली इस्लामाबाद के लिए, इस्लामाबाद के लिए सीट पे आए थे। सोने की चिड़िया भाई कमा के देती है। तो भाई खाली इस्लामाबाद पे इमरान खान साहब के साथ बैठने के लिए आए थे? खाली यही करना था उन्हें, मैनिपुलेट करना था लोगों को? आज लोगों को ऐसे लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, ट्रेडर्स को, क्योंकि सुनवाई तो कहीं है नहीं। सिंध गवर्नमेंट अपनी खुद मुख्तार है, यहाँ पे फेडरल के पास जाओ वो इनके ऊपर बोलती है, इनके ऊपर बात करती है, भाई फेडरल अपना प्रोविंस खुद मुख्तार है, भाई हम जाएं तो किसके पास जाएं, क्या करें? ट्रेडर्स हर काम अपने मातहत कर रहा होता है, दूसरों ने ना, कोई इदारे कहीं आपको नजर नहीं आएंगे। अच्छा उदयपा, जैसे ये बात कर रहे हैं कि ढकने लगाते थे, MNA बन गए, नज़र नहीं आ रहे, तो जो लोग इस शहर से मुंतखब हुए हैं, तो क्या कभी वो लोग भी आपके पास आके आपसे मुलाकातें करते हैं? सर माजरत के साथ मैं इसका जवाब ऐसे दूंगा कि इलेक्शन से पहले जो सिनारी होता है बिल्कुल ही चेंज होता है सर। अच्छा, वो ऐसा इस तरीके से पेश करते हैं कि जैसे बस इलेक्शन हम जीत जाएं और हम आपके लिए हर वक्त हाजिर है सर। हाजिर तो दूर की बात सर, वो फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं सर, जो मुंतखब होकर आते हैं फिर वो उनको समझे एक तरीके से देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्या बोलते हैं लोग आके आपसे, क्या बोलते हैं, कुछ हमारी मदद करो या सर वो तो कहते होंगे ना यार। इलेक्शन से पहले जो आपको पता है कि जो सिनारियो चल रहा होता है कि आप हमारी सपोर्ट करें, हम जब इलेक्ट होकर आएंगे तो आपकी फेवर के लिए जो ताजिरों के जो काम है हम आपके सबसे प्रायोरिटी में काम करेंगे सर। काम तो दूर की बात है सर, वो हमारे फोन रिसीव नहीं कर रहे होते। ताजिरों के काम तो हो रहे हैं कि भाई दुकानें सील हो रही हैं, SOPs लग रही हैं, काम तो हो रहे हैं। तो सर ये जो काम हो रहे हैं ताजिरों के काम, वो हो रहे हैं जो ताजिरों को जमीन के अंदर दफन करने वाले काम हो रहे हैं सर। ये आखिरी ताबूत के अंदर कीले चल रही है सर, जो अभी ये मामला चल रहे हैं आप ये देखे तो सही सर, ताजिरों का हाल क्या हुआ भाई, लोगों का कैपिटल खत्म हो गए हैं सर। जो रोजगार है, जो बेचारा दिहाड़ीदार मजदूर है, जो 500-600 रुपए की जो दिहाड़ी कमाता है, आप देखे तो सही महंगाई कितनी हो गई है, वो कहाँ से सरवाइव करेगा सर? सरवाइव करने के लिए उसके पास कुछ बचा ही नहीं, ऑक्सीजन लेने के लिए सांस ही नहीं बचा। और जो दुकानदार है वो अपने मसाइल में इतना घिरा हुआ है, आप मजीद अभी आप ये प्रीवियस एक महीने का रिकॉर्ड तो चेक करें सर, सिर्फ 4 दिन दुकानें खुली हुई, वो कहाँ से अपना पूरा करेगा, अपनी फैमिली का पूरा करेगा, अपनी लेबर का पूरा करेगा, अपना रेंट देगा, और जो उसके मामलात हैं वो किस तरीके से पूरा करेगा? हुकूमत की कान में जून तक नहीं रेंग रही है इस हवाले से। उनको हम सजेशन पे सजेशन दे रहे हैं ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के प्लेटफॉर्म से, हमारे सदर उनको सजेशन दे रहे हैं वहाँ पर लिख के, लेकिन वो बस वो एक सजेशन जो देकर आते हैं वो एक रद्दी की टोकरी में चली जाती है।
फिर दोबारा लॉकडाउन का तलवार हमारे सर पर लटक जाती है। हम काम किस तरीके से करें आप हमारे को बताएं ना, हम किसी से कोई डील करते हैं, कोई कारोबारी डील करते हैं, अब हमारा काम तो वो तो है नहीं कि दुकान खोली परचून का वो सामान दे दिया, लोहे का आइटम हम किसी को प्रोवाइड करते हैं, वो एक प्रोसेस होता है, फिर जाके वो फिनिश गुड की सूरत में आगे जाता है। हमने किसी को मटेरियल दे दिया, लॉकडाउन लग गया, हमारी पेमेंट्स के मामलाते हैं 10 मामलाते हैं, सारे हमारे मामले डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम कहाँ पर खड़े हैं। नुमान ये बताओ कि जो आपका जहाँ कारोबार है, जिसे कहते हैं कि दरिया मार्केट, आयरन स्टील मार्केट, तो वह लाइन ऑर्डर के बारे में सुना गया कि बड़ी कुछ हालात ख़राब हैं। हालात इस तरीके से ख़राब हैं, बीच में ख़राब ये रहते थे हालात कि अपना ये ताला तोड़ वगैरह इस तरह के सिस्टम बहुत रहते थे, लेकिन पुलिस इदारा जो है वो जब तक डंडा ना दो ना तब तक काम नहीं करता। ये तो हमारे हमाद भाई हैं, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ उनका कि वो हैं, तो बहुत सारे मसलों को बेचारे खुद से देख रहे होते हैं, सारे मामला कर रहे होते हैं। तो और दूसरी चीज़ ये आजकल एक दूसरा सिस्टम हुआ हुआ है, हमारे कारोबार के लिहाज से देखने जाएं तो फ्रॉड केसेस बहुत ज़्यादा होने लगे हैं। अभी फ्रॉड केसेस इस सेंस में होने लगे हैं कि जैसे कि लॉकडाउन का सीनियरियो चल रहा है, 2 साल से ये सिस्टम जो कोविड का चल रहा है, हम जिनको माल देते हैं क्रेडिट पर माल जाता है, सही है, अब वहाँ से हमको चेक आते हैं। अब ये मामला कुछ ऐसे हो गए कि जो एक छोटी एसेट वाला बंदा बैठा है ना, वो क्या करता है, अब टोटल दुकानें बंद, मार्केटें बंद है, अब उसको खाने के लिए पैसे तो चाहिए ना, अब वो माल की सूरत में पैसे लोगों का खा रहा होता है। अच्छा, हम उनको उधार देकर उनसे चेक जो लेते हैं, सही है, अब वो चेक बाउंस हो जाते हैं, अब वो 2-3 महीने तक उसका कोई पुरसान हाल नहीं, भाई वो तो पैसे खा के बैठ गया, अब हम क्या, अब हम अपनी सेफ साइड के लिए उसकी FIR कटवाते हैं या कुछ करते हैं, तो उसके लिए कोई जस्टिस नहीं है। उल्टा एक दो मामला हमारे सामने ऐसे हैं कि जो मुद्दई है, मुद्दई को अपना कोर्ट में बुला के बजदन किया जा रहा है, दलील किया जा रहा है कि यार भाई तुम आते क्यों नहीं हो। ओ भाई, तुम जो मुलजिम है तुम उसको बोलो ना यार, क्या है क्या नहीं। और चेक बाउंस के ऊपर हमारे यहाँ बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जो कि हम रिक्वेस्ट करते हैं अपना इदारों से कि भाई इसके ऊपर नज़रसानी की जाए। और इसके तो अभी कुछ दिनों पहले की बात कर रहा हूँ, कोई नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि इसमें मुलजिमों को जिनके चेक बाउंस होते हैं उनको और रिलीफ दे दिया गया है। तो अब ट्रेडर रिलीफ दे दिया गया है जी, ये मैं अभी 1-1.5 महीने पुरानी बात कर रहा हूँ। कौन सी ऐसी सोर्सेज है जिनको रिलीफ दे दिया गया है? ये मतलब ये मैं अल्लाह माफ़ करे बोलना नहीं चाहिए, सिंध गवर्नमेंट ऐसे लोगों की ही सपोर्ट करती है, सही है, ताजिरों को उन्होंने दीवार से बिल्कुल लगा देना है, किसी चीज़ में कोई फेवर नहीं है। अच्छा, जैसे कि लॉकडाउन के मामला आते हैं, सही है, हम रिक्वेस्ट कर करके इनके वज़राओं को थक जाते हैं, ऐसे कर फिर भी हमारे हमाद भाई, जैसे कि मैं नाम लूँगा नासिर हुसैन शाह साहब का, उनको 10 तजावीज़ें देते हैं कि यार हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, तो तब कहीं जाकर 2 चीज़ें मुश्किल से उसमें से होती हैं। तो फिर भी ये 1-2 लोग ऐसे हैं जो कि सुनते हैं, बाकी तो सब ना अहल हैं। अच्छा, एक्चुअल इसकी बात ये है कि ये एक्चुअल ग्राउंड पे तो रहते नहीं हैं, लोड शेडिंग इनके घर में नहीं है, किसी चीज़ का प्रॉब्लम इनको नहीं है, कमाने की इनको प्रॉब्लम नहीं है, आपको पता है रिसोर्सेज सबके क्या चलते हैं। नुमान, वो तो 5 साल के लिए मुंतखब होकर आगे, उनके तो गवर्नमेंट सर्विस है, उनको तो तनख्वाह बराबर मिल रही है, तो उनको किस चीज़ की प्रॉब्लम होगी? तो यही कहना, और खाली तनख्वाहें नहीं है ना बॉस, सारी चीज़ें लोगों के सामने, क्या सिस्टम चल रहा है, किस सिस्टम पे ये सारे चलते हैं, इनको कोई ग्राउंड रियलिटी वाला कोई बंदा ही नहीं है। हमारी नुमान से और उदयपा से देखे थे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, चलते हैं एक छोटे से ब्रेक की तरफ। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी उदयपा सिद्दीकी और नौमान पिपलानी से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है,
और बल्कि इनको ये भी कहना है कि हुकूमत हमें किसी भी कदम कोई रिलीफ फराहम नहीं कर रही, जबकि उन्होंने बात की कि अहमद पूनावाला की और उन्होंने नासिर हुसैन शाह जो वजीर बल्दियात हैं उनको 10 तजावीज़ दी और उनमें से एक दो वो सुन लेते हैं, मगर ये भी एक दो सुन लेना बड़ी बात है, मगर वो भी अमल हो जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि सुन लेना और अमल हो जाना तो चलो दोनों एक तरफ रख लेते, एक अच्छी सुनी और एक नहीं सुनी, मगर फिर हुकूमत का काम है कि ताजरों से अरबों रुपये का टैक्स लेते थे और उन्हें रिलीफ भी देना चाहिए। हालिया बारिशें हुई, गोल्डन मार्केट डूब गई, दरिया इस दिन का मंदर हो गया, दुकानों में पानी भर गया, अरबों रुपए का नुकसान हो गया, वो तीन हुकूमत और वफाकी हुकूमत से फरियाद करते रहे, मगर तीन हुकूमत ने कोरोना की तरह उन्हें वैक्सीन लगा दी और कहा कि हम आपको कर्जा देंगे। अब ये कर्जा कब मिलेगा, जब वैक्सीन हो सकता है उन्हें पूरी मार्केट में लग जाए। हम बात करते हैं उदयपा से। उदयपा, ये तो कोरोना की वायरस चल रही है, कोरोना की बात चल रही है, बिजनेस की बात चल रही है, हम चलते हैं खेल की मैदानों की तरफ। पूरी दुनिया में खेलों की एक्टिविटी जारी है, पब्लिक भी आ रही है, मैच भी देखा जा रहा है, मैं एक वाहिद शहर कायद है यानी कि कराची शहर, यहाँ कुछ खेलों की सरगर्मियाँ बंद भी हैं और कुछ खुली हुई भी हैं, मगर एक आल सिटी ताजर इत्याद ने एक शो मैच कराया था और केंती स्टेडियम में मुझे याद है, फिर उसके बाद एक नाजमाबाद में भी कराया, तो क्या वजह कि आल सिटी ताजर इत्याद खेलों की तरफ क्यों चली गई? कोविड के जो मामलात थे, जो हमारे ताजिर बरादरी के लोग थे, वो डिप्रेशन एनजाइटी की तरफ चले गए, इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में हो गए। तो हमारी ऑल सिटी ताजिर इतिहाद के सदर हमाद पूनावाला ने ये एक सजेशन हमारी आपस में कमेटी के अंदर ये सजेशन हुई कि ये ताजिरों को डिप्रेशन से निकालना, तो हमने एक मैच स्पोर्ट्स एक्टिविटी का इनेकाद किया ताकि हमारे जो ताजिर हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर भी आ जाएँ और एक यूनिटी भी हो जाए और एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी हो, हेल्थी एक्टिविटी हो, ताकि एक वो रूटीन के मामला जो हैं जो एक डिप्रेशन के अंदर चले गए हमारे ताजिर लोग जो अपने कारोबारी मसाइल की वजह से, वो थोड़ा सा उससे रिलैक्स भी रहे। तो यार आपने तो बड़ी अच्छी बात की कि खेलों के ज़रिए अमन कायम होता है, खेलों के ज़रिए जो है वो सेहत भी बनती है, तो ये तो तमाम चीज़ें जो है अब बच्चे खेलों से भी दूर होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे बेहतर ग्राउंड जो है वो चाइना कटिंग में चले गए, तो हमारे बच्चों को कैसे खेल की एक्टिविटी मिलेगी? तो सर चाइना कटिंग का जो आपने बात करी है सर, वो तो आप देख ही रहे हैं मामलात, और ये तो सर हुकूमत का काम है कि ये जो ग्राउंड्स और इस तरीके से चाइना कटिंग पे जा रहे हैं तो उसकी रोकथाम की जाए और स्पोर्ट्स की जो एक्टिविटी है उसको दोबारा से बहाल किया जाए, ताकि स्पोर्ट्स की एक्टिविटी बहाल होंगी जो इस वक्त जो हमारा मुल्क एक तरीके से इस वबा की लहर से गुजर रहा है और लोग एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, इससे निकलने में बहुत हमारे को मदद मिलेगी। अच्छा नुमान, जैसे आपने बात की है कि हमारे ताजिर कराची में खुसूसन बहुत सारी तंजीमें ताजिरों की, तो वो क्या वजह है कि एक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं आ सकते, जब कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक लीडर पैदा हुआ था और जिसे कहते हैं सिराज कासिम तेली, तो उसने कभी हुकूमत के आगे सर नहीं झुकाया, उनका एक ही अल्फाज होते थे कि जिसको मुजाकरात करने हो चैम्बर आए, तो चाहे वजीर आजम हो, सदर पाकिस्तान हो, वजीर खजाना हो, जो लोग भी हो गवर्नमेंट से वापस वो वहाँ जाया करते थे। आप लोग अरबों रुपए का टैक्स देते हो तो एक मुट्ठी क्यों नहीं हो रहा है, उससे क्या खलल आ रहा है? बात एक्चुअली है, जैसे सिराज कासिम तेली साहब थे ना, उनको उनके दिल में दर्द था ताजिरों का, ट्रेडर्स का, तमाम जितने भी इंडस्ट्रियल ले लो आप और ट्रेडर्स को ले लो, स्मॉल ट्रेडर्स ले लो, उनका दर्द था। लेकिन हमारे यहाँ अभी के जो ताजिर हैं स्मॉल ट्रेडर्स वाले, जो फेक लीडरान हैं, उनको दर्द वर्द कुछ नहीं है किसी भी चीज़ का, वो उनको बस तस्वीरें खिंचवाना, आजकल सेल्फी सीजन चलता है ना, चले, तो वो तो तस्वीरें खिंचवाते रहे, वो तो छोड़े हैं, तो उनको कोई दर्द नहीं है किसी चीज़ का, ऐसा कि क्या हो रहा है क्या नहीं, उनको कोई मसला मसाइल नहीं। मैंने कहा कि एक क्यों नहीं हो पा रहे, क्या वजह है, कौन सी ऐसी चेन है जो एक करेगी? ये कभी जिंदगी में नहीं हो सकते, सबके दिमाग अलग, सबको सबको सरबरा बनना है, दुकान अपनी नहीं है, मार्केट अपनी नहीं है, लेकिन लीडर मुझे बनना है, मसला सबके साथ ये। तो लीडर बनने के लिए भाई कुछ ना कुछ एक्टिविटी दिखानी होती है, तो आप लोग भी तो दिखा रहे हो ना हमारी सरबराही में, तो बस आप, तो आप आपके आपके भी आप
अहमद क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं कि लोगों को इत्तेहाद पैदा करें और कोशिश करें तो अब यही प्लेटफॉर्म पे लिया है। अभी अभी जैसे कि सारी बात हुई, अभी उजैफा से बात हुई थी क्रिकेट के हवाले से, तो हमारा प्रोग्राम यही है कि सब ट्रेडर्स को, सब ताजिर नुमाइंदे जितने भी हैं, उन सबको एक एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, और ताकि एक मुट्ठी बनकर आगे जो आवाज़ बनेगी ना, तो समझे एक मुट्ठी पे आने वाले हैं। जैसे आपने कहा कि सब तो लीडर बनना चाह रहे हैं, और जब आप सबको यकजहता कर रहे हैं तो सारे के सारे तो लीडर आ रहे हैं, तो वो कैसे एक होंगे? तो किसी ना किसी को जब एक फार्मूला तो आप इस्तेमाल करें ना। फार्मूला इस्तेमाल करने का मकसद ये है कि जब एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे तो हमें किसी को ये नहीं है कि हमें लीडर बनना है या उसको लीडर बनना है, एक यकजीती के साथ एक प्लेटफॉर्म से काम करेंगे। कोई ऐसा नहीं कि यार जो सीनियर है वो सब जानते हैं कौन सीनियर है और कौन लॉयल्टी से काम करना चाह रहा है, कर रहा है, और आप सबके सामने ये हो रहा है कि कौन किस तरह लॉयल्टी से काम कर रहा है। सही है, जिसके दिल में दर्द होगा वो आगे बढ़ेगा, और अल्लाह का शुक्र है ऑल सिटी ताजरीतल हर लेवल पर, हर प्लेटफॉर्म पे आवाज़ अपनी उठा रही है। ऐसा नहीं है कि हम किसी एक सेक्टर को देखते हैं, हम तमाम सेक्टर को साथ लेके चलते हैं। आपकी ये रेस्टोरेंट एसोसिएशन होंगे, हमने इसके लिए भी आवाज़ उठाई, बैंक्वेट के लिए भी आवाज़ उठाई, हम हर इदारों में गए, और एक ऐसा ये प्लेटफॉर्म है हमारे साथ। कराची की 70% मार्केट है, साथ कितनी मार्केटें शामिल है ऑल सिटी हमारे साथ, ऑल सिटी ताजी इत्तेहाद में कराची की 70% मार्केट है हमारे साथ। 70% मार्केटों में तकरीबन कितनी होंगी, 2 तो 2.5 तो 3 तो? हमारे पास तो जो ताजिर रहनुमा है मुख्तलिफ, वो तो कहते हैं किसी के पास 400 हैं, किसी के पास 500 हैं, किसी के पास 600 हैं। तो आप जो ऑल सिटी ताजी इत्तेहाद चल रहा है, शायद शटर की बात करते होंगे तो एक अलग बात है, लेकिन मार्केटें इतनी बोले कि 400-500, वो मैं आपको बोलूँ कि 400-500 उनसे दुकानों के नाम से लिखवा लें, मैं मान जाऊँ आपको जो बोलते हैं ना कि 400-500 मार्केट है हमारे पास, और भाई तो 400-500 शटर के नाम लिखा दें तो भाई वो तो पाकिस्तान जा, पाकिस्तान में जाते हैं, लाहौर जाते हैं, इस्लामाबाद में जाकर तो मीटिंगें करते हैं, तो उनके पास तो 600 मार्केट होंगी ना मेरे भाई। तो मैंने आपको यही बताया ना, वो सिर्फ मीटिंगें करते हैं तस्वीर खिंचवाने के लिए, ये किसी का दर्द किसी का नहीं रखना है इन्होंने। अच्छा, दर्द रखते तो एंड तक जिस तरह हमाद पूना वाला खड़ा था पिछले साल, जेल भी गया है जी, रमजान का रोजा भी वहां खोला है, बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके साथ सिंध गवर्नमेंट ने क्या सलूक करा? अच्छा, जो लोग, जो ताजिर अंदर जेल में अजियत काट रहे थे, तो जो बाहर लोग थे वो भी उतनी ही अजियत में थे, यार इनके साथ क्या सलूक किया जा रहा होगा? और बहुत बदतरीन सलूक किया गया ताजिरों के साथ, इन्हें जवाब देना होगा, यहाँ नहीं तो ऊपर थे ये जो हरकतें कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट। मैं स्पेशली सिंध गवर्नमेंट को कहूंगा, उस वक्त भी वफाक कहती थी कि यार ट्रेडर्स को रिलीफ दिया जाए, लेकिन ट्रेडर्स को कोई रिलीफ नहीं है, बल्कि ट्रेडर्स को लगा दिया गया। आपकी बात तो उदयपा बड़े हंस रहे हैं। उदयपा ये बताओ कि जिस तरीके से कह रहे हैं कि हमाद पुना वाला वो ताजिरों की खिदमत करते करते उनके उसूल के लिए, उनके मफादात के लिए, उनके संग लड़ रहे थे कि किसी ताजिर को कोई परेशानी नहीं हो, और वो जेल की तलाक के पीछे चले गए, और फिर वो रमज़ानुलमबारक का रोज़ा भी खोला, तो ताजिरों ने एक हलचल सी मच गई थी। तो आप क्या समझते हैं कि लीडर बनने के लिए जेल जाना तो ज़रूरी होता है? तो अब हमाद लीडर है? मैं बेशक आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, हमाद भाई एक जेन्युइन लीडर है, एक बाय बर्थ लीडर है, और उन्होंने जो बोला उसको करके दिखाया। जो अभी जो मौजूदा जो ताजिर रहनुमा हैं, जो अपने आप को रहनुमा कहते हैं, सिर्फ वो अल्फाजों की लफाजी करते हैं माजरत के साथ, वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते। इससे हम छोटे ताजिरों की तजलील होती है कि 72 घंटे का अल्टीमेटम, 24 घंटे का अल्टीमेटम, 48 घंटे का अल्टीमेटम, अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दे देते हैं। जब अल्टीमेटम पूरा हो जाता है, फिर उनको आप देखते ही रह जाए, उनका ना फ़ोन मिलता है ना वो नज़र आते हैं। जो हमाद पूना वाला जो है, हमारा जो सदर है ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद का, उसने जो बोला उसको करके दिखाया, वो छोटे ताजिरों के लिए स्टैंड लिया। कुछ ताजिरों ने ये भी कहा था कि हमाद ने जो हिमायत की थी कि कारोबार के हवाले से हालिया जो अल्टीमेटम से पहले कि ये कारोबार, तो उस पर तो बड़े लोग बड़े इतराज हुए थे कि हमाद ने जो हुकूमत की जो है वो हिमायत कर दी। तो लॉकडाउन की जो हमायत करी, ये अभी मौजूदा जो आप बोल रहे हैं, तो उस वक्त सिनारियो ऐसा बना हुआ था कि गवर्नमेंट लॉकडाउन लगाना ही चाह रही थी। उसकी रीज़न ये थी कि वो केसेस काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे। अगर क्योंकि हम सिंध गवर्नमेंट में रहते हैं सर, सिंध सूबे, सिंध के अंदर हम रहते हैं, हम सिंध सूबे के अगेंस्ट कैसे जा सकते हैं? कि वफाक सिर्फ बातें ही कर रहा है, NCOC जो वहाँ से बोल रहे हैं, यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है उन चीज़ों के ऊपर, जो सिंध गवर्नमेंट से हम कैसे बेल ले सकते हैं? आप ये बताएं, हम बेल लेंगे फिर वो हमारे साथ वही एक तो सुतीली माँ का सलूक हो रहा है, फिर उससे बढ़कर सलूक होगा। अच्छा नुमान, देखें बड़ी ज़बरदस्त उदयपाल ने बात की है कि
हम तीन गवर्नमेंट से टक्कर कैसे लें। मगर बात वक्त होता था कि अपने मुतालबात मनाने के लिए ताजिर एक बहुत बड़ी ताकत है और इतनी बड़ी ताकत है कि हुकूमत उनकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएगी। पर आप क्या समझते हैं कि अब हुकूमत को अपने मुतालबात मनवाने के लिए आप लोगों को क्या इकदाम करने होंगे? देखें, मैं रफीक भाई एक ही बात कहूँगा कि तमाम ताजिरों को एक होना पड़ेगा, तब जाके बात बन सकती है। ये बाकी उसके लिए कदम कौन बढ़ाएगा आगे? उसके लिए ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद इंशाल्लाह कदम बढ़ाएगी और मैं गवर्नमेंट से, फेडरल से और सिंध गवर्नमेंट से स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा कि कराची के ताजिरों को साथ थोड़ा सा शफकत वाला सलूक किया जाए, वरना लोगों की कमरे तो टूट चुकी हैं और अब मरने की कतारों पे लोग सुसाइड कर रहे हैं। तमाम सामान घरों के सामने, यार मैं ऐसी ऐसी अभी आपको सोशल मीडिया की चीज़ें बताऊँ ना कि क्या क्या। नहीं, आप अपने मसाइल बताएं, मीडिया को छोड़ें। मैं इतनी सी बात करूँगा कि रिक्वेस्ट करूँगा कि ताजिरों को रिलीफ दिया जाए, वही रेगुलरिटी पे आया जाए कि ये जो छुट्टी आपके सेफ डे दो सेफ डे हैं तो फ्राइडे की छुट्टी कैंसिल की जाए। सही है, और जो मामला पहले रेगुलर चल रहे थे उसी तरीके से उसको किया जाए। क्यों? क्योंकि अब सब वैक्सीनेट हो चुके हैं और हो रहे हैं, जो नहीं हुए वो भी हो रहे हैं। उन्हें पर 8 बजे से रात 8 बजे तक के टाइम दिया हुआ हुकूमत ने कारोबार का, तो आप इससे मुत्तफिक हैं? इससे बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हुई कि कारोबार तो 24 घंटे होना चाहिए। इसका रीज़न ये है कि सर कि आज जब आप एक किसी भी चीज़ पे एक लिमिट लगा देते हैं टाइम की फिक्स, तो फिर एक रश का रश बढ़ जाता है मार्केट्स के अंदर और फिर वो एक जो नज़र आता है वो एसओपी की खिलाफ वर्जी की सूरत में नज़र आता है कि आप जैसे देख रहे हो फॉरेन कंट्रीज में 24 घंटे बिजनेस चल रहा है। कि जब 24 घंटे बिजनेस चल रहा है तो लोग अपनी रूटीन के हिसाब से आते रहते हैं मार्केट्स के अंदर और अपनी जो ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें वो लेके जाते रहते हैं। अब 8 बजे का जो टाइम है, एक जो रश क्राउड एकदम आ जाता है हुजूम, तो फिर वो एसओपी की खिलाफ वर्जी है। मैं तो गवर्नमेंट से बोलता हूँ कि 24 घंटे का टाइमिंग दी जाए बिजनेस के लिए। अच्छा नुमान, एक बार फिर हम आते हैं कर्जे की तरफ कि आल सिटी ताजिर इत्तेहाद के अभी कई लोगों ने खुदकुशियाँ भी की और उन पर कर्जे चढ़े हुए हैं। कई लोग ऐसे हैं कि जो बेचारों पे कारोबार करते थे, कर्जा चढ़ गया, वो नहीं दे पाए, खुदकुशी कर ली, जिंदगी से बेचारे चले गए, मगर आज भी उनकी फैमिलियाँ जो हैं वो कर्जे में दबी हुई हैं। तो अब आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है कि कर्जे के हवाले से कोई स्कीम दी जाए या कोई ऐसा है कि जैसे प्लाटों का ऐलान किया करोड़ों कि हम लाखों मकान बना के देंगे, तो क्या समझते हैं कि वफाकी हुकूमत सूबे सिंध में भी कुछ प्लाट बना के दे या कर्जा स्कीम दे? कोई भी स्कीम ना दे, ये अच्छा। सिर्फ बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, सिर्फ बेवकूफ़ बनाएंगे, देना इन्होंने कुछ भी नहीं है। सही है, ये सिर्फ एक काम कर रहे हैं, तवक्को तो रखे ना कि दे सकती है, ये कुछ नहीं दे सकती। मैं आपको क्लियर, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, ये एक रुपए का रिलीफ नहीं देते। स्पेशली सिंध गवर्नमेंट क्या, वफाक क्या, किसी को एक चाराने का नहीं दे सकती रिलीफ। हम सिर्फ ये रिलीफ मांगते हैं कि भाई खुदा रहा हाथ जोड़ते हैं कि जिस तरह रेगुलर कारोबार था उस तरह किया जाए और हम खुद ताजिर जिस तरह हम एसओपीस पे अमल करते हुए, क्योंकि हमें भी पता है यार ये अपना वबा जो है सबके लिए ख़तरनाक है, आपके लिए हमारा हम सारी चीज़ समझते हैं, लेकिन जब एक चीज़ हम एसओपीस के ऊपर तहत काम कर रहे हैं तो हमें ये काम तो करने दीजिए। जब हम सारी वैक्सीनेट भी करा रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसके बाद भी कारोबार के ऊपर ये कि यार हम स्पेशली इमरान खान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई सारी चीज़ों को, ये जो अपना प्रोवेंस है, अपना फेडरल है, ये सब एक होके एक फैसला किया जाए कि भाई सिंध भी जिस तरह दूसरे सूबे रेगुलर है उसी तरह, बल्कि और टाइमिंग बढ़ा दिया जाए कि भाई जो बंदा 10 घंटे 12 घंटे काम करता है उसको 24 घंटे भाई तू कर काम। खुदाफा, आज एक नई खबर है हमारे पास कि सब्जियों की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया, तो क्या कहोगे? सर अब आप ये देखें ना, सब्जियों की अब जो बंदा ज़रूरियात ज़िंदगी जो अपनी चीज़ों की उसकी बेचारे की वैसे ही कुव्वत है ख़रीद का में वो नहीं उसको अफोर्ड कर पा रहा, जो गरीब की जो एक ये सब्ज़ी थी उसके ऊपर भी रेट बढ़ा दिया गया। अब हुकूमत को चाहिए कि जो ये ज़रूरियात ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, सब्ज़ी हो गई और जो ये ग्रोसरी आइटम है, इस पर तो रिलीफ दे ताकि गरीब बंदा जो जिसकी पहुँच से दूर होती जा रही है वो कहाँ जाके किस से जाके फरियाद करे। हमारे साथ उदाफा सिद्दीकी, उदाफा सिद्दीकी और नुमान पिपरानी दोनों मौजूद थे और दोनों का ताल्लुक आल सिटी ताजिर इत्तेहाद है और दोनों का हुकूमत एक ही मुतालबा है कि जितने भी गरीब हैं ताजिर
उनको रिलीफ फराहम किया जाए। आल सिटी ताजिर इत्तेहाद मुतल कोशिश कर रही है कि तमाम ताजिरों को एक लाकर एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर कर और फिर हुकूमत की आँख में आँख डाल के बात करेंगे और अपने मुतालबात भी मनवाने में कामयाब होंगे। वो उसी तुरंत में हम बात पूना वाले की क़यादत में मार्केटों मसाइल थे। आपके मेज़बान रफ़ीक अंसारी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।